चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज देहरादून में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर स्वामी राम की 24वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर स्वामी राम के जीवन पर प्रकाश भी डाला। तो डॉक्टर स्वामी राम को सीएम योगी आदित्यनाथ आज नमन करते नजर आए और आज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के का ये कार्यक्रम था जहां पर डॉक्टर स्वामी राम के जीवन पर प्रकाश डालते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ एक पुस्तक का विमोचन भी आज यहां पर किया गया है। तो देहरादून के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहे डोईवाला के हिमालयन इंस्टीट्यूट अस्पताल में शिरकत करी थी। यहां पे वक्तव्य में डॉक्टर स्वामी राम के विषय पर उनके जीवन पर चर्चा करते नजर आए, उनके जीवन के तमाम मूल्यों को समझाते हुए नजर आए। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट अस्पताल में उन्होंने शिरकत भी की है। से जुड़े हुए पूज्य स्वामी राम के द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय परिवार के आचार्य से लेकर के और एक सफाई कर्मी तक सबकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये हिमालयन परिवार आज उन्हें जब सम्मानित कर रहा था तो मुझे लगा ये स्वामी राम की ही उस आध्यात्मिक प्रकटीकरण का प्रभाव है कि यहाँ पर एक साथ बिना भेदभाव के उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें सम्मानित यह हिमालयन परिवार कर रहा है और अध्यात्म जगत में पूज्य स्वामी राम के ही समय के साक्षी निवृत्त शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी को स्वामी राम मानवता कल्याण का जो सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है सचमुच मैं आभारी हूँ स्वयं भी क्योंकि मेरे लिए पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज गुरुतुल्य थे। हम सब की मन में उनके प्रति जो सब